वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप टेक्नोलॉजी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी होती क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कैसे करते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या लिमिटेशन है। ग्रुप टेक्नोलॉजी आपका एक मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी है जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप हम दो क्राइटेरिया के बेस पे बनाते हैं। पहला हमारा क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट जिनका शेप एंड ज्योमेट्री सेम होगा उनका ग्रुप बना सकते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट जिनके ऑपरेशन जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन है वो एक ही टाइप के ऑपरेशन से बन रहे हैं। ओके, जैसे कि हमारा साफ्ट फर्स्ट क्राइटेरिया में जैसे हमारा साफ्ट हो गया, स्पिंडल हो गया। ओके, सो इनका क्या है, हमारे पास जो शेप एंड ज्योमेट्री सेम है तो हमने इनका ग्रुप बना लिया। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया में वो प्रोडक्ट जिनके हमारे पास जो ऑपरेशंस है वो सेम हो, जैसे कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट में हमारे पास पहले लेथ होगा, लेथ ऑपरेशन होगा, फिर हमारे पास मिलिंग ऑपरेशन होगा। ओके, फिर हमारे पास ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा। तो बेस्ड ऑन ऑपरेशन हम ग्रुप बना सकते हैं। ओके, तो जो हम ये ग्रुप बनाते हैं ना, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्ट फैमिली। ये होते हैं हमारे पास पार्ट फैमिली। ओके, पार्ट फैमिली। ओके, सो ग्रुप टेक्नोलॉजी वर्क, ग्रुप टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है वो वर्क्स करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट टू गेट द इकोनॉमिकल बेनिफिट। इकोनॉमिकल बेनिफिट कैसे मिलता है हमें, जब हम ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ऑपरेशन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, तो जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है टू रिड्यूस द लीड टाइम एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, लीड टाइम एंड वर्क इन प्रोग्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रुप टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया था। जो फर्स्ट टाइम जब हमने यूज किया था तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, उसके बाद जब हम ग्रुप टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होने लगा, प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज होने लगा। ओके, तो ये अदर एडवांटेजेस हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी अगर हम डिफाइन करना चाहे तो ग्रुप टेक्नोलॉजी इज एन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन विच ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रुप टेक्नोलॉजी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है वहां पे हम इंडिपेंडेंट ग्रुप बना देते हैं और ईच ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक गिवन प्रोडक्ट ऑफ फैमिली को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या बताता है आपको, ग्रुप क्या हो सकता है आपका, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वर्कर्स एंड ए सेट ऑफ मशीन। ओके, जो एक जगह पे एक स्पेसिफाइड एरिया पे आपके प्लेस्ड होते हैं कंपनी में और उनको एक टाइप का काम दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। और फैमिली ऑफ प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये फैमिली ऑफ प्रोडक्ट आपके होते हैं पार्ट फैमिली। पार्ट फैमिली क्या होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पार्ट फैमिली जो हम ग्रुप बनाते हैं प्रोडक्ट का बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन और बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो दो लेआउट है, एक तो है प्रोसेस लेआउट और एक ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ग्रुप टेक्नोलॉजी का हम एडवांटेज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने, यहाँ पे प्रोसेस लेआउट में हमने क्या हुआ है, हमने लेथ मशीन एक जगह पे रखी हुई है, ड्रिलिंग मशीन एक जगह पर रखी हुई है और आपका ये है मिलिंग आएगा यहाँ पर, ये मिलिंग मशीन एक जगह पर रखी हुई है। ओके, तो हमने अलग अलग मशीन को अलग अलग शॉप में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमारा एक प्रोसेस एक हमारा प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए या फिर ग्रुप ए के जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास ऑपरेशन होना है लेथ, फिर होना है ड्रिलिंग, फिर ग्राइंडिंग होना है। ओके, उसके बाद वो असेंबली में जाएगा। ओके, सिमिलरली ग्रुप बी में हमारे पास लेथ होना है, उसके बाद मिलिंग, देन ड्रिलिंग, देन असेंबली।
इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया अपने ग्रुप्स। ओके, सो अगर हम प्रोसेस लेआउट का यूज करेंगे, ओके, तो क्या होगा, इस शॉप से पहले लेथ शॉप से आपका जो प्रोडक्ट होगा, लेथ शॉप से आपका ड्रिलिंग में आएगा, ड्रिलिंग से फिर आपका ग्राइंडिंग में जाएगा, यहाँ से जो है ग्राइंडिंग में जाएगा। लेकिन अगर आपका सेकंड देखेंगे तो लेथ आएगा, लेथ से फिर आपके पास लेथ से आपका यहाँ से लेथ है, लेथ से आपके पास मिलिंग में आया, मिलिंग से फिर आपका ड्रिलिंग में गया, ड्रिलिंग से फिर आपका फर्दर ग्राइंडिंग में गया, असेंबली में गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सिंपल प्रोसेस लेआउट का यूज करेंगे तो एक ही मशीन पर दो दो तीन तीन बार चक्कर लग जाते हैं और आपके प्रोडक्ट को भी अलग अलग शॉप में जाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट का टाइम है, प्रोडक्शन का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका लीड टाइम जो है, लीड टाइम और वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपके प्रोडक्ट हैं वो अभी सेमी फिनिश्ड है, जो कंप्लीटली फिनिश नहीं हुए हैं, ओके, तो वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। सेम हमें प्रोडक्ट बनाने और हम यहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट का यूज करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, हमने डिफरेंट डिफरेंट मशीन सेल्स बना दी। मशीन सेल्स क्या होते हैं, हमने ऑपरेशन के हिसाब से हमने शॉप बना दी है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे मशीन सेल्स हैं, दीज आर द मशीन सेल्स। ओके, तो ये हमारा एमसी मशीन सेल 1, ये हमारा मशीन सेल 2, मशीन सेल 3। ओके, अब क्या होगा, जो एक ग्रुप का प्रोडक्ट होगा जिसमें लेथ, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, असेंबली, ये चारों ऑपरेशन सिमिलर ऑपरेशन है एक ग्रुप एक पार्ट फैमिली में, तो वो पार्ट जो होगा वो इस मशीन सेल में ही रहेगा। मतलब आपको इधर से उधर दूसरे शॉप में जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर स्पेसिफाइड एरिया पे ये मशीन रखी है और इन पे सारे ऑपरेशन एक साथ होंगे। तो एक पार्ट और सेकंड पार्ट जो जिसमें मशीनिंग, ड्रिलिंग और असेंबली होनी है वो अलग पार्ट फैमिली हो जाएगी। ओके, तो उसमें वो पार्ट आप वो उस पार्ट फैमिली में जो पार्ट होंगे वो सारे मशीन सेल 2 में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल हैंडलिंग का टाइम है या फिर आप कह सकते हो मटेरियल मूवमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। मटेरियल या प्रोडक्ट जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही शॉप में आपके सारे ऑपरेशन हो गए। तो जो आपका मटेरियल हैंडलिंग है ना, मटेरियल हैंडलिंग, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, ओके, जिसकी वजह से आपका जो लीड टाइम है, लीड टाइम एंड वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये एडवांटेज होता है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट का यूज करने का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। क्लियर? नेक्स्ट इज योर एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट बेनिफिट है, द आउटपुट रेट इज हायर देन प्रोसेस लेआउट, जो मैं आपको प्रीवियस पहले बता चुका हूं, ओके, और मटेरियल हैंडलिंग टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिविटी टाइम या फिर जिसको हम बोलते हैं लीड टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ओके, एंड ओके, ग्रुप टेक्नोलॉजी आपका जो डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन है उसको भी प्रमोट करती है। मतलब ज्यादा स्टैंडर्ड के डिजाइन है वो अच्छे से बनते हैं, समझता है, एक पार्ट एक डिजाइन का जो पार्ट होगा वो एक ग्रुप में आएगा, सेकंड डिजाइन का पार्ट सेकंड ग्रुप में आएगा, तो उसको भी प्रमोट करते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, टाइम, मशीन टूल्स एंड टूलिंग एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स। ओके, दीज आर द बेनिफिट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी। लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, जो लाइन बैलेंसिंग है वो डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा लाइन बैलेंसिंग करना, उसको ऑप्टिमाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑप्टिमाइज मीन्स आपने जो सिक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशंस किया है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, मींस आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, लीड टाइम रिड्यूस होना चाहिए और कॉस्ट भी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी आपकी रिड्यूस होनी चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ग्रुप टेक्नोलॉजी में, और वो पार्ट जिसमें वैरायटी ज्यादा होती है, वो पार्ट जो आपके बार बार चेंज होते रहते हैं, ओके, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, तो उसमें हो सकता है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट इतना इफेक्टिव ना हो,
ओके एंड सो थर्ड है द पार्ट विच आर नॉट स्टेबल फॉर सेल लेआउट हैव टू बी प्लान एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट. ओके जो आपने लेआउट बनाया हुआ है ग्रुप टेक्नोलॉजी का उसके अकॉर्डिंग अगर पार्ट नहीं आता है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी उसको पार्ट को बनाने के लिए. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजीज. ओके सो ग्रुप दैट्स ऑल फॉर ग्रुप टेक्नोलॉजी. थैंक यू वेरी मच.